तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। AIADMK सरकार में उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री रहने के दौरान हुए जॉब फॉर स्कैम मामले में ये एक्शन लिया गया है। हालांकि बालाजी के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा चर्चा में उनके सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती होना रहा। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें बाईपास सर्जरी कराने के लिए कहा है। गरीब किसान परिवार में पैदा हुए बालाजी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत 2006 में AIADMK उम्मीदवार के तौर पर की थी। वो दिवंगत जयललिता की सरकार में 2011 से 2015 के बीच कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 3 साल बाद ही वी सेंथिल बालाजी ने डीएमके का रुख कर लिया। आपको बता दें कि जयललिता के लिए विशेष पूजा कराने, लाखों लैंप जलाने, सम्मान में नारियल फोड़ने के चलते बालाजी काफी चर्चा में रहे। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम के आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी होने के बाद उन्होंने समर्थन में अपना सिर भी मुंडवा लिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने दूरी बना ली और फिर उनसे कैबिनेट पोस्ट और करूर में पार्टी की जिम्मेदारियां भी छीन ली गई। साल 2018 में डीएमके में शामिल होने के बाद वो जल्द ही बड़े नेताओं में शुमार हो गए। उनके गढ़ करूर में कहा जाता है कि रोजगार मेला और रक्तदान शिविर जैसी चीजों ने उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ाई। वी सेंथिल बालाजी की अपने जिले में जबरदस्त लोकप्रियता है। बहरहाल डीएमके नेता की गिरफ्तारी से सियासत भी गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। सीएम स्टालिन ने भी आरोप लगाए हैं कि ईडी का मकसद उनके मंत्री को प्रताड़ित करने का था। उन्होंने कहा कि जब सेंथिल बालाजी ने कह दिया था कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, तो ईडी को उनको प्रताड़ित करने का मकसद क्या था? ताकि उनके सीने में दर्द हो? इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.